गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो टुडेज टॉपिक इज प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ अ गिवन एलिमेंट. इसमें क्या होगा कि आपको सपोज कोई भी एटॉमिक नंबर बोल देगा 20 है, एटॉमिक नंबर 15 है, एटॉमिक नंबर 30 है, और प्रिडिक्ट करिए कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है और कौन से ब्लॉक में है. ठीक है, इट इज वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. तो आज देखते हैं, बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है. तो अब आज आप देखेंगे बहुत आसानी से हम लोग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एलिमेंट कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में. तो उसके लिए हमें दो चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है नोट, फिर मैं आपको एस पी डी एफ तीनों का एक एक एग्जाम्पल भी लूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एलिमेंट कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में. तो आइए शुरू करते हैं. इसमें आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है. फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज एन. जानते हैं ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ऑफ द वैलेंस सेल करस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ एलिमेंट. यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक, आपको एटॉमिक नंबर मिला रहेगा, उस एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा ऑफ द वैलेंस सेल करस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ द एलिमेंट. जो वैलेंस सेल में जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लिखेंगे, उसका जो वैलेंस सेल होगा उसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही क्या होगा, उसका पीरियड होगा, उस एलिमेंट का वो पीरियड होगा. अभी देखेंगे एग्जांपल से तो इट विल बी क्लियर. ठीक है, पहला पॉइंट नोट करें. सेकंड पॉइंट नोट हमें क्या करना है कि द ग्रुप कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल. और उस वैलेंस सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या तो वैलेंस सेल में या पेनल्टीमेट सेल में. अब पेनल्टीमेट क्या होता है, वैलेंस से पहले वाला. सपोज वैलेंस सेल एन बोल दिया तो पेनल्टीमेट क्या हो जाएगा, एन माइनस वन. इसके भी अंदर एंटी पेनल्टीमेट एन माइनस टू. ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल और पेनल्टीमेट सेल एन माइनस वन एज फॉलोस. बस ये दो रूल आपको मतलब ध्यान रखने. अभी आपको एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा, इन रूल्स को हम लोग लेके चलेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये रूल्स तो है ही. इसमें एस ब्लॉक का अगर एलिमेंट होगा तो उस केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा. बट पी ब्लॉक के केस में क्या करेंगे स्टूडेंट, नोट कर लें रूल्स को, एग्जांपल से सारे क्लियर हो जाएंगे. पी ब्लॉक के लिए 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 10 ऐड कर देंगे. 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल वही उसका ग्रुप नंबर होगा. अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का है स्टूडेंट तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन डी सब सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएच सेल, मींस वैलेंस सेल और पेनल्टीमेट सेल एन माइनस वन डी सब सेल के केस में, उन दोनों को जोड़ेंगे तो वो आपका ग्रुप नंबर आएगा. और आप ये कह सकते हैं ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन माइनस वन डी सब सेल प्लस एन सब सेल, माइनस एट कर देंगे. इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, डी ब्लॉक इसी से हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन डी सब सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएच सेल. ठीक है, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जो उसमें ग्रुप नंबर होगा हमेशा 3 होगा, या उसको थर्ड भी बोल देंगे हमेशा. ठीक है, एफ ब्लॉक के केस में दिक्कत ही नहीं है. तो प्रॉब्लम एस पी डी के अंदर आती है. इन रूल्स को नोट कर लें आप एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये ग्रुप के लिए. ठीक है, और ये हो गया आपका पीरियड के लिए. ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेके ये चल रहा हूँ. ठीक है, आइए मैं देखो, ये पीरियोडिक टेबल है. ठीक है, इसमें कोई एक एलिमेंट मैं उठा लेता हूँ. सपोज मैंने उठा लिया कैल्शियम. क्या उठा लिया, कैल्शियम उठा लिया. अब आप देख पा रहे होंगे कैल्शियम जो है कौन से पीरियड में स्टूडेंट, कैल्शियम जो है और ये बताइए फोर्थ पीरियड में है और सेकंड ग्रुप में. ठीक है, आपको समझ आ गया. आपको ये नहीं देगा, आपको क्या बोलेगा, चलो मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स. ठीक है, आ जाइए. तो आइए पहला क्वेश्चन उठाते हैं. सपोज आपको बोल दिया कि एटॉमिक नंबर 20 है. क्या बोल दिया स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर 20 है. तो बताइए कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है. तो आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखिए रूल्स को ध्यान में, यहाँ पर मैं रूल्स भी छोड़ दे रहा हूँ. अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एटॉमिक नंबर 20 है तो मैं सबसे पहले क्या लिख लूँगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको आना चाहिए, मैंने आपको ये सिखा रखा है. 1s2 2s2 2p6 3s2. ठीक है, 3p6 4s2. अब आपको समझना है बहुत ध्यान से. इस केस में स्टूडेंट क्या हुआ, जो वैलेंस सेल है कौन सा है, 4s. देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस सेल करस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट. तो इसके अंदर देखिए वैलेंस सेल कौन सा, 4s. इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू कितना हो गया, 4. तो ये आपको क्या बताएगा स्टूडेंट, पीरियड बताएगा, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है. क्लियर होगी बात. अब ग्रुप की बात करते हैं. अब हमको पता है, देखिए अब आपको पता चल गया 4s,
मीन्स इलेक्ट्रॉन कौन सा है, एस ब्लॉक का है। तो उस केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए स्टूडेंट कितने हैं, टू। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टू, आ गया टू। इसका मतलब ग्रुप कौन सा है, सेकेंड ग्रुप है। तो इसका मतलब सेकेंड ग्रुप है। तो आपको आपने प्रेडिक्ट ये कर लिया, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड में है और सेकेंड ग्रुप में है। आइए चेक करते हैं एटॉमिक नंबर 20 क्या ऐसा ही है, क्या एटॉमिक नंबर 20 ऐसा ही है। देखिए मैंने फिर से आपको ये बता दिया कि n इज इक्वल टू 4 आया प्रिंसिपल क्वांटम, ये नंबर ये बताएगा पीरियड, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि मैंने रूल पे भी लिखा हुआ था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो उस केस में सेकंड ग्रुप है। आइए पीरियोडिक टेबल में मैच करते हैं, फोर्थ पीरियड और सेकंड ग्रुप में आ रहा है। देखिए फोर्थ पीरियड है और फर्स्ट सेकंड पीरियड बिल्कुल आ रहा है, कैल्शियम, ठीक है ठीक है। तो इस केस में हमारा पहला रूल वैलिड हो गया एस ब्लॉक के लिए, जो चीज होती है दैट इज ये वाली, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। अब यही चीज स्टूडेंट पी ब्लॉक के लिए भी होगी। पी ब्लॉक में क्या करेंगे, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल जो होगा वो ग्रुप नंबर को बताएगा। अब पी ब्लॉक का मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूं, सपोज आपको दे देगा एग्जाम में एटॉमिक नंबर 15, क्या एटॉमिक नंबर 15, और बताइए कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में, ठीक है। तो बाकी सिंपल करना क्या है, आपने आपने करना है सबसे पहले कॉन्फिगरेशन लिखना है स्टूडेंट। तो कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 दैट इज 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3, यही होता है 3 to 5 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये आपका कॉन्फिगरेशन आपने ये लिख लिया, आपको पता चल गया पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो सबसे पहले तो देखो वैलेंस सेल कौन सी है, अब यहां पर कंफ्यूजन होता है, मैंने फिर बताया था आपको बच्चों जो बाहर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 सेम है तो ये पूरी की पूरी क्या है, वैलेंस सेल है। तो वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने वो देख लेंगे, इसलिए इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू, देखो n कौन सा, 3 है प्रिंसिपल क्वांटम, ये नंबर है वैलेंस सेल का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, थर्ड पीरियड होगा, क्या होगा, थर्ड पीरियड होगा, क्लियर है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लो, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा वो 3p3 बोलेंगे वैलेंस, नहीं आप चेक करो कि इसमें भी 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहां भी 3s2 है, तो ये दोनों वैलेंस सेल है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3+2 इज इक्वल टू 5। अब देखिए रूल्स में आ जाओ, पी ब्लॉक के लिए क्या बोला था कि 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो मैंने बोला था 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 इज इक्वल टू 15 ग्रुप, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 15 ग्रुप। तो एटॉमिक नंबर 15 वाला एलिमेंट थर्ड पीरियड में होगा और 15 ग्रुप में होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आइए चेक करते हैं थर्ड पीरियड 15 ग्रुप, आ जाइए थर्ड पीरियड ये चला अपना, थर्ड पीरियड 15 ग्रुप कहाँ, इधर गया, देखो बिल्कुल 15, देखो थर्ड पीरियड है ना स्टूडेंट, थर्ड पीरियड में चले आ गए और यहाँ से 15 ग्रुप में आए, तो हमें पता चल गया कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, आसानी है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल डी ब्लॉक का, बस हम आसानी से प्रेडिक्ट ये कर सकते हैं। तो डी ब्लॉक के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन डी सब सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एच सेल वैलेंस सेल इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, पीरियड टू ही रहने वाला सेम। चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सपोज आपको बोलते हैं एटॉमिक नंबर 21 है, ठीक है 21 है, कॉन्फिगरेशन लिख के दिखाइए, 1s2 आप बोलेंगे, 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, ये तो बोलते हैं स्कैंडियम का कॉन्फिगरेशन है, ठीक है। हालांकि यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 3d में जा रहा है, n माइनस 1d में जाता है, इसलिए d ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट, कॉन्फिगरेशन आप मतलब जानते हैं। तो आपको पता चल गया n इज इक्वल टू 4th, मतलब कहां है, फोर्थ पीरियड में है, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन n माइनस 1 में कितने हैं, देखो n इज इक्वल टू 4 है तो n माइनस 1 क्या हुआ, 3, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये कितना है n माइनस 1 में, 1 है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nH सेल 4 है, दैट इज 4s में कितने हैं, 2 है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए स्टूडेंट, 3। मैंने क्या बोला था, फिर से चेक करें, d ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n माइनस 1 d सब सेल, भाई n इज इक्वल टू 4 है ना इधर अपने पास, 4s2 n माइनस 1 4 माइनस 1 3, तो 3d के अंदर 1 है, दैट इज 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nH सेल दैट इज 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज थर्ड ग्रुप, ये क्या हो गया, थर्ड ग्रुप हो गया। तो पीरियड कौन सा आया, फोर्थ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप, चेक करते हैं फोर्थ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप, 1 2 3 फोर्थ पीरियड, देखिए फोर्थ पीरियड में थर्ड ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी तो यही मिल गया, ये देखिए स्कैंडियम, ठीक है। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एलिमेंट कौन से ग्रुप में होगा, कौन से पीरियड में होगा। तो मैं एक बार फिर से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मतलब ले सकते हैं,
कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बताएगा पीरियड और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल के अंदर। एस ब्लॉक के लिए वही ग्रुप होगा, पी ब्लॉक के लिए 10 प्लस ऐड कर देंगे, डी ब्लॉक के लिए एन माइनस वन के अंदर और एन के अंदर दोनों को जोड़ के ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं और एफ ब्लॉक में हमेशा 3 आता है। तो आई थिंक ये आपको आसानी से क्लियर हुआ होगा। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा। तो ट्राई करिए कुछ और ही अपने प्रॉब्लम एनसीईआरटी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।